हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे देसी फूड मेन्यू चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं सूजी और मावे की गुजिया। तो आप हमारे चैनल में अब तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें मैदा लिया है, आधा किलो मैदा लिया है इसमें हमने। अब इसे हम मैदे में तेल का मोवन या फिर डालडे का मोवन डाल के हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे। हमें इसे ऐसे गूंदना है कि जैसे हम घर में रोटी बनाते हैं, सेम वैसे ही हमें गूंदना है, कुछ इस प्रकार से। बस हमारे आटे का लोई ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से हम इसे गोल गोल कर लेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हो कितने सॉफ्ट बने ये। जब तक कि हम इसके सामग्री रेडी करेंगे तब तक इसे हम गीले कपड़े में ढक के रख देंगे। तो फाइनली हमारा मैदे रेडी हो जाने के बाद जो हमने गूंदा था, अब इसके लिए हम सामग्री बनाएंगे जो गुजे के अंदर में डलती है। मैंने इसमें 5 सूखे नारियल लिए थे, जिसमें से 2 ख़राब निकले, 3 अच्छे निकले। इसे हम अच्छे से कीस लेते हैं सूखे नारियल। तो कुछ देर बाद मैंने वीडियो को स्किप करके सभी नारियल को इस प्रकार से अच्छे से कीस लिए हैं। तो आप देख सकते हो ये हम सूजी में ऐड करेंगे। इसे ये रेडीमेड भी आता है। मैंने गुजिया के लिए आधा किलो सूजी लिया है। ये सूजी को हम कढ़ाई में हल्का ब्राउन होने तक के भून लेंगे। इसे क्या है, अच्छे से टेस्ट और भी बढ़ जाता है। 2 छोटी कटोरी में मैंने इसमें मूंगफली लिए हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हो। मूंगफली को पहले हमें भून लेने हैं हल्का हल्का, और उसके बाद इसके छिलके को हमें निकाल लेने हैं। इस प्रकार से हमने इसे दर्रा पीसा है, हल्का हल्का इसे पीसा है, ज़्यादा बारीक बारीक नहीं करना है इसे। इसमें मैंने 250 ग्राम शक्कर लिया है, 1 पाव शक्कर लिया है मैंने इसमें। शक्कर को हम जार में अच्छे से पीस लेंगे बारीक। इसमें मैंने कुछ लौंग लिए हैं और इलायची लिए हैं, इसे हम अच्छे से कूट लेंगे। इन सबको अच्छे से कूट लेना है। तो फाइनली हमारी सभी सामग्री रेडी हो चुकी है। नारियल को हमने कीस लिया था, वो आप देख सकते हो। इलायची और लौंग को भी मैंने कूट लिया था इस प्रकार से, और फल्ली भी रेडी है। अब ये सबको हमें एक साथ मिलाना है, बस बाकी है। और एक तरफ मैंने सूजी, भुने हुए सूजी भी ले लिए हैं, ये सबको हम एक साथ मिलाएंगे। तो फाइनली हमारी सभी सामग्री आप देख ही चुके हो। तो सबसे पहले हमने सूजी में चीनी, पीसा हुआ चीनी को ऐड कर दिया है, जिसे हमने जार की सहायता से पीस लिया था। 250 ग्राम चीनी लिया था, इसे अच्छे से मिला लेंगे। और हम इसमें फल्ली, किसे हुए नारियल और लौंग इलायची भी ऐड कर देंगे। इन सब को अच्छे से मिला लेंगे, इसे अच्छे से मिक्सअप करना है। चम्मच से अच्छे से मिक्सअप करते नहीं बन रहा था, तो मैंने हाथ से ही करना स्टार्ट कर दिया। हाथ से क्या है, एकदम अच्छे से हो जाएगा मिक्सअप। अच्छे से मिक्सअप करना है, इसे अच्छे से मिलाना है। तो अब सभी सामग्री रेडी हो गई है, तो अब हम गुजिया बनाने स्टार्ट करते हैं। हमने जो आटा लिया था, मैदे को हम इस प्रकार से गोल गोल कर लेंगे और हम इसे बेल लेंगे। तो इस प्रकार के सभी लोई को हमें बेल लेना है, जैसे कि हम घर में पूरी बनाते हैं उसी प्रकार से हमें इसे बेलना है छोटे छोटे। तो वीडियो को स्किप करके मैंने कुछ इस प्रकार से सभी को बेल लिया है। तो इस प्रकार से हमें सांचा की सहायता से इस प्रकार से गुजिया को हमें रेडी करना है। इस प्रकार से हम गुजिया के अंदर उसका मिक्सर ऐड करेंगे जिसे हमने बनाया था। मेरी मम्मी बना रही है गुजिया को, कैमरा मैंने पकड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हो तीज का समय है। तो इस प्रकार से हमें सभी गुजिया को रेडी कर लिया है। बहुत सारे गुजिया अब रेडी हो चुके हैं, अब इसे हम तल लेते हैं फटाफट से। तो देख सकते हो कि इस प्रकार से ये गुजिया इतने सॉफ्ट बने हैं। बस ये ध्यान रहे कि तलते समय फूटे ना,
अगर तलते समय फूट रहे हैं तो पहले ही इसे निकाल दें। इस प्रकार से हम इसे तलना स्टार्ट करेंगे। एक एक करके सभी भुजे को हम कढ़ाई में ऐड करेंगे। हमें इसे लो फ्लेम में तलना है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।